डियर स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बच्चों ये क्लास सिक्स का मैथ है एन सी आर टी मैथ्स क्लास सिक्स चैप्टर सिक्स और एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे मैंने पेपर पे निकाल के रखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो फर्स्ट में दिया हुआ है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर वी इज तो नंबर लाइन का यूज़ करना है तो नंबर लाइन इसलिए मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है और इसको यूज करते हुए इन सारे क्वेश्चन का आंसर देना है थ्री मोर देन फाइव तीन ज़्यादा पाँच से फाइव से तीन ज़्यादा चलना है तो ज़्यादा चलना है मतलब आप देख लीजिए यहाँ पे नंबर लाइन बना हुआ है पाँच से तो फाइव कहाँ है फाइव यहाँ पे है थ्री मोर चलना है मोर मतलब राइट right साइड चलना तो ये क्या हो जाएगा चलिए ये नंबर का मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ थ्री मोर मोर देन फाइव ठीक है तो क्या हो जाएगा फाइव से फाइव यहाँ पे है और यहाँ से तीन ज़्यादा चलना है वन टू थ्री तो कहाँ पे गए एट पे गए तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा एट हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा एट तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर लिखना है तो इसको देखते हुए नंबर लाइन को यूज़ करते हुए लिखना है इसका आंसर और क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे लेते हैं क्या दिया हुआ है फाइव मोर मतलब पाँच ज़्यादा चलना है देन माइनस फाइव माइनस फाइव से टेन ज़्यादा चलना है तो यहाँ पे माइनस फाइव से माइनस फाइव कहाँ है नंबर लाइन पे देखते हैं यहाँ माइनस फाइव है और यहाँ से फाइव ज़्यादा ज़्यादा मतलब राइट right साइड चलना है वन टू थ्री फोर फाइव कहाँ पे गए हम लोग जीरो पे गए मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा जीरो ये आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे लेते हैं सी तो सी में क्या दिया हुआ है सिक्स लेस लेस मतलब कम देन टू तो टू से प्लस टू दिया हुआ है टू तो कहाँ पे है यहाँ है टू से आपको सिक्स लेस मतलब आपको लेफ्ट साइड चलना है इधर नहीं इधर चलना है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कहाँ पे गए माइनस फोर पे गए तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस फोर ये इसका आंसर हो गया उसके बाद डी नंबर ये लास्ट है इसका तो थ्री लेस थ्री लेस देन माइनस टू माइनस टू मतलब हम लोग माइनस टू में हैं और तीन कम करना है मतलब लेफ्ट साइड में चलना है यहाँ पे माइनस टू में हम लोग हैं और यहाँ पे चलना है थ्री लेस वन टू थ्री तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं माइनस फाइव में जा रहे हैं इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा माइनस फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू और इसमें क्या कह रहा है यूज नंबर लाइन एंड एट द फॉलोइंग इंटीजर्स तो यहाँ पे नंबर लाइन यूज करना है और इसको एड करना है मतलब जोड़ना है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू ए नंबर और बी नंबर का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है और नंबर लाइन भी बना के रखा है क्योंकि इसको बनाने में प्रॉब्लम हो सकता है टाइम ज़्यादा लग सकता है इसलिए मैंने बना लिया है यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है नाइन प्लस माइनस सिक्स तो यहाँ पे देखना है कि नाइन मतलब हम लोग कहाँ पे हैं नंबर लाइन यहाँ बना हुआ है तो यहाँ पे नाइन पे हैं और माइनस सिक्स बोल रहा है तो माइनस सिक्स मतलब आपको लेफ्ट साइड चलना है माइनस सिक्स मतलब माइनस करना है माइनस करने में आप इधर चलते हैं और प्लस करने में इधर राइट right साइड चलते हैं तो माइनस सिक्स मतलब छः बार चलते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हम कहाँ पे पहुँच गए यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं और यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं और एक लाइन देते हैं यहाँ से यहाँ ठीक है और इसको एरो देते हैं इधर क्योंकि हम इधर से इधर चले हैं और हमको मिला थ्री तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका ए नंबर का आंसर हो जाएगा थ्री ये कंप्लीट हो गया इसके बाद बी नंबर में उसी तरह से नंबर लाइन खींचना है और क्वेश्चन जिस तरह से बतला रहा है उस तरह से बनाना है तो यहाँ पे फाइव है मतलब हम लोग फाइव पे हैं प्लस फाइव कहाँ हैं यहाँ एक एरो लगा देते हैं यहाँ पे हैं ठीक है अब यहाँ से माइनस एलेवन मतलब हम लोग इधर नहीं जाएंगे इधर जाएंगे इसीलिए मैंने इधर ज़्यादा बना के रखा हुआ है तो अब जो है हम लोग माइनस एलेवन एलेवन बार चलते हैं लेफ्ट साइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन कहाँ पर पहुँचे माइनस सिक्स पे तो चलिए यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं यहाँ से यहाँ चले मतलब इधर एरो देते हैं तो माइनस सिक्स पे पहुँचे तो यही इसका आंसर हो जाएगा माइनस सिक्स ये हो गया अब नेक्स्ट पार्ट और दिया हुआ है यह क्वेश्चन नंबर टू का सी और डी तो सी में यहाँ पे देख रहे हैं आप माइनस वन प्लस माइनस सेवन सबसे पहले हम कहाँ पे हैं माइनस वन हैं तो माइनस वन कहाँ है यहाँ है एक एरो लगाते हैं यहाँ पे एरो एक एरो यहाँ लगा देते हैं और प्लस माइनस सेवन माइनस सेवन की ओर चलना है मतलब लेफ़्ट तो में चलना है तो यहाँ से सेवन बार चलना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कहाँ पहुँच रहे हैं माइनस एट पर पहुँच रहे हैं तो एक यहाँ पे लाइन लगा देते हैं ताकि पता चलेगा हम लोग कहाँ से कहाँ चले हैं ये है और इधर लगाते हैं एरो इधर एरो लगा देते हैं इससे पता चलेगा कि हम लोग इधर से इधर चले हैं तो माइनस एट पर पहुँचे इसका मतलब है कि इसका आंसर हो गया माइनस एट ये हो गया और डी नंबर में माइनस फाइव प्लस टेन तो सबसे पहले हम लोग कहाँ हैं माइनस फाइव पे तो माइनस फाइव कहाँ है यहाँ पे है यहाँ पे लगाते हैं एरो और यहाँ से प्लस टेन चलना है मतलब राइट साइड चलना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो कहाँ पे पहुँच गए प्लस फाइव पे पहुँच गए तो यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं यहाँ से फाइव तक और यहाँ एरो देते हैं हम लोग इधर से इधर चले हैं तो फाइव पे पहुंचे इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है प्लस फाइव ये आ जाएगा ये आंसर हो गया और ई e एफ बचा हुआ है इसको भी बना लेते हैं ये है क्वेश्चन नंबर टू का ई e नंबर और एफ़ नंबर तो ई e में क्या दिया हुआ है पहले माइनस वन प्लस माइनस टू माइनस वन कहाँ पर है यहाँ है यहाँ पे एक लगा देते हैं एरो लगा देते हैं यहाँ माइनस वन और प्लस माइनस टू माइनस मतलब हम लोग को लेफ्ट साइड चलना है दो बार चलना है वन टू तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पहुँचे माइनस थ्री में ठीक है यहाँ एक एरो लगा देते हैं एरो तो इसके बाद इसको लाइन दे देते हैं यहाँ से यहाँ ठीक है यहाँ से यहाँ से यहाँ लोग चले इधर एरो दे दिए अब यहाँ से पहुँचने के बाद जो है फिर माइनस थ्री चलना है मतलब इधर ही चलना है माइनस की ओर तो थ्री बार चलना है तो यहाँ से चले वन टू थ्री मतलब हम कहाँ पहुँचे माइनस सिक्स पर पहुँचे यहाँ एरो लगा देते हैं और यहाँ से फिर एक लाइन देते हैं ये इस तरह से और यहाँ एर लगा देते हैं तो फाइनली हम लोग दो बार चले यहाँ से यहाँ माइनस वन से माइनस थ्री तक और फिर माइनस थ्री से माइनस सिक्स तक तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस सिक्स इसका आंसर हो गया माइनस सिक्स ये हो गया और एफ नंबर में यहाँ पे सबसे पहले माइनस टू में है हम लोग और प्लस एट चलना है माइनस नहीं प्लस एट चलना है मतलब हम लोग राइट साइड चलेंगे तो माइनस टू सबसे पहले कहाँ है यहाँ है तो यहाँ एरो लगाते हैं और यहाँ से हम लोग प्लस एट चलते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हम लोग पहुँच चुके हैं प्लस सिक्स पे अब आगे क्या कह रहा है फिर माइनस फोर बोल रहा है तो माइनस फोर तो यहाँ एक एरो लगाते हैं सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे लगा देते हैं और इधर प्लस सिक्स में पहुँच चुके हैं अब माइनस फोर बोल रहा है मतलब फिर लेफ्ट साइड चलना है फोर बार तो यहाँ से वन टू थ्री फोर अब हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे एक एरो इस तरह से लगा देते हैं टू पे पहुँच चुके हैं तो इस शेरों को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और यहाँ पे एक लाइन देते हैं फिर हम लोग दोबारा इधर चले हैं इधर तो फाइनली हम लोग कहाँ पहुँचे टू पे। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा टू ये हो गया इसका आंसर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है